और यहाँ पर कोई एक बड़ा चेहरा की हम लोग मांग कर रहे हैं, और जो कि वो भी बहन जी के घर से उनके भतीजे हैं, और जो इसका संदेह जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज मंडल में कि एक एससी समाज का जो दलित नेता है, और अब बहन जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं तो कम से कम उनके भतीजे चुनाव मैदान में आए और चुन करके जो है विधानसभा में जाएं, ये हम लोग सोचें। साथियों नमस्कार, आज हम पुनः जो है बसपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी विधानसभा सुराव और बिजलीपुर सेक्टर अध्यक्ष जी के पास मौजूद हैं, और आज हम जानेंगे 2022 में जो विधानसभा आगामी चुनाव होने वाला है, ये बसपा के पदाधिकारी हैं, इनकी क्या सोच है, क्या राय है और क्या रणनीति है 2022 के चुनाव को लेकर। तो सबसे पहले आपका तो स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, आप जो है आपके विधानसभा में जो है क्या माहौल चल रहा है बसपा को लेकर? हमारे विधानसभा में बहुत ही अच्छा माहौल है। हमारी विधानसभा सोराव सीट सुरक्षित विधानसभा है, और हम लोग पूर्व में भी बढ़िया प्रचार प्रसार किए थे और बढ़िया जो है रिजल्ट आया था। उसके पहले सोराव विधानसभा दो बार विधायक भी बना चुके हैं, और 2012 और 17 में सेकंड पोलर रहे हैं, और जनता भाजपा के झूठे वादों पर जो है उनके गुमराहियत में आकर के भाजपा को चुना, लेकिन हमारा वोट बैंक सोराव विधानसभा में बहुत मजबूत है, हमारा दलित समाज एकजुट है। अभी सोशल मीडिया पे एक मुझे जो है लोगों देखने को मिला, एक बैनर प्रचार मिला, वहाँ कमल का फूल था और अब की बार सरकार बसपा की सरकार था, मतलब आप बात को समझिए, वो जो बैनर था वहाँ उस जो लिखावट थी वहाँ पे कमल का फूल था और नाम बसपा का था, इस पर क्या नज़र है? आप बसपा भाजपा के विरोध बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा और बसपा जो है गठबंधन दिख रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने कई बार कहा है कि हमारा भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, हमारी लड़ाई भाजपा से ही है, और हम हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लड़ते चले आए हैं, और हम दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते हैं, और हमारा भाजपा से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। आपके विधानसभा सुराव में जो है काफ़ी मुस्लिमों का भी जनसंख्या है, क्या लगता है MIM भी आपको टक्कर देगी? नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ आपकी बार जो ऐसा कह रहे हैं लोग, मुस्लिम बस्तियों से लोग कहते हैं कि आपकी बार हम भी अपनी पार्टी मजबूत करेंगे और MIM जाने का काम करेंगे। अच्छा, तो उनका जो है मुस्लिम के तौर पर अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं जी। अच्छा, उनका ये कहना है कि हम भी अपनी पार्टी, हमारी पार्टी है और हम भी अपनी पार्टी में लग करके अपनी पार्टी को हम मजबूत करेंगे, तो उनकी सोच है। नहीं आप तो जो है सेक्टर अध्यक्ष हैं, आपका नाम जो है देवेंद्र गौतम है, मैं इनको जो है फेसबुक पे पढ़ा था, और इन्होंने एक बड़ी मांग की थी कि विधानसभा सुराव से जो है माननीय बहन जी को भतीजे आकाश आनंद जी को उतारा जाए, आपने मांग की थी जी, हमने मांग की। इसको जो है इस मांग को किस नज़रिए से कर रहे हैं? हम इस मांग को इस नज़रिए से कर रहे हैं कि सुराव विधानसभा इलाहाबाद में जो है सुरक्षित सीट है, और यहाँ पर कोई एक बड़ा चेहरा की हम लोग मांग कर रहे हैं, और जो कि वो भी बहन जी के घर से उनके भतीजे हैं, और जो इसका संदेह जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज मंडल में कि एक एससी समाज का जो दलित नेता है, और अब बहन जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं तो कम से कम उनके भतीजे चुनाव मैदान में आए और चुन करके जो है विधानसभा में जाएं, ये हम लोग सोच है। अच्छा देखा जाए तो जो है आप मांग कर रहे हैं आकाश आनंद जी को उतारने को, अगली बार क्या रन रहा आप लोग का जो बसपा का था विधानसभा सुराव में? विधानसभा सुराव में 2017 में जो है गीता पासी चुनाव लड़ी थी, और जो सेकंड पोल रही बढ़िया 60,000 वोट उनको मिला था, और अब की बार भी हम लोग बढ़िया प्रयास करें, आपकी सीट निकलेगी, सुराव विधानसभा हम जीतेंगे। क्या आपको लगता है कि आपकी मांग से आकाश आनंद जी यहाँ से उतर सकते हैं या लड़ सकते हैं चुनाव? अब हम लोग की मांग है, प्रयास कर रहे हैं, अब ये बहन जी की सोच है, वो क्या करेंगे, उन नेतृत्व क्या करेगा, नहीं उतरती हैं तो जो भी कैंडिडेट बहन जी देंगे हम लोग उसको भरसक प्रयास करके जिताने काम किया जाएगा। अब केवल अपनी तरफ से जो मांग थी मैंने मांग किया, आपका कहने का मतलब ये है, और हम लोग कार्यकर्ता हैं, मांग कर देखा जाए तो क्या लगता है आपको जो है अपने ही विधानसभा से जो आपके विधानसभा के लोग हैं क्या वो भी उतर रहे हैं कि नहीं बसपा के तरफ से? कैसे बसपा की तरफ से जो है विधानसभा सुराव के कोई कैंडिडेट उतर रहा है या नहीं उतर रहा है? अच्छा सुराव विधानसभा के स्थानीय, सुराव विधानसभा के स्थानीय लोग टिकट की मांग कर रहे हैं, कई लोग दावेदार हैं, लेकिन ये है कि आखिरी निर्णय बहन जी का होगा, जो जिसको टिकट देंगे चाहे विधानसभा के अंदर का हो या विधानसभा के बाहर का हो, हम लोग हमेशा जिताने काम की है करेंगे। अच्छा जो है बसपा को जिताने के काम करेंगे, लेकिन अभी हमने बात कहा था जैसे कि मुस्लिम समाज को लेकर,
अब की बार तो देखा जाए तो मुस्लिम समाज कट रहा है, इस पर क्या नज़र है? बसपा से नहीं, बसपा से जो हमेशा मुस्लिम समाज इतना परसेंट वोट दिया देते थे वो बराबर देंगे और आगे भी देने का काम करेंगे। मुस्लिम समाज हमेशा जो है BSP को वोट दिया है। अब ये है कि 100% नहीं देता है, लेकिन कुछ परसेंट वोट देता है BSP में, जो देता है वो देंगे। अच्छा, वो चाहे MIM आए या सपा आए, उससे मतलब नहीं है। क्या लगता है कि, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, क्या लगता है अब की बार जो है मायावती जी और बसपा की पार्टी जो है कितने सीटों पर जीत करेगी? अब की बार तो हम समझते हैं कि बहन जी अगर 2007 में 206 सीट जीती थी तो अब की बार 206 में एक प्लस जरूर होगा, 260 के प्लस जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों ने सुना कि विधानसभा सुराओं से ये मैसेज मिला मुझे कि अब की बार जो है 260 सीट प्लस करेंगी माननीय बहन मायावती जी, ये जो है सेक्टर प्रभारी जो है बिजलीपुर के देवेंद्र गौतम जी का कहना। इसी के साथ चैनल को देखते रहे, मुझसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है Facebook का, Instagram का, और उसे लिंक पर क्लिक करें और मुझसे जुड़ें। धन्यवाद।